हाय एवरीवन, सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे बेटर और सिनेमैटिक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फॉर दिस पर्पस आपको क्या करना है कि आपको कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल किस सिचुएशन में क्या सेटिंग्स रखनी है, ये हमेशा अलग अलग होता है। आप हर एक सेटिंग्स को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में वीडियो रिकॉर्ड करो जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर डे लाइट कंडीशन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके हाईलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रिजर्व रहे, यानी कि जो स्काई है वो ब्लो आउट ना हो। और उसके अलावा अगर आप डार्क सिचुएशन में या रात में अगर वीडियो शूट करते हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो डार्केस्ट पार्ट है वो प्रॉपरली एक्सपोज हो, उसमें से डिटेल ना ख़त्म। तो आप ये करने के लिए आप अपने कैमरा के अलग अलग टूल का यूज़ कर सकते हो, या तो आप ज़िब्रा यूज़ कर सकते हो, या आप हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हो, या आप यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक है, एक्सपोज टू द राइट और एक्सपोज टू द लेफ्ट और एक्सपोज टू द मिडल, ये सब आप प्रॉपरली समझ के इसके हिसाब से अपने सिचुएशन के हिसाब से आप एक्सपोजर सेट कर सकते हो। तो एक्सपोजर प्रॉपरली सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड थिंग कि आपको कौन सा पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो शूट करो तो आपके कैमरे के सारे यू नो सेंसर के सारे डिटेल्स को, जो उस सीन में सारा डिटेल है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए आप लॉग फुटेज का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लॉग जो फुटेज होता है वो कैमरे का मैक्सिमम डायनेमिक रेंज यूज़ करता है। और उसके अलावा वो बिल्कुल ही अनप्रोसेस्ड इमेज, यानी कि विदाउट किसी कलर का, एकदम बिल्कुल ही न्यूट्रल कलर टाइप का आपको इमेज फुटेज आपको देता है। तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको अपने हिसाब से अपना एक लुक दे सकते हो। तो लॉग में आप शूट करो और इमेज को प्रॉपरली एक्सपोज करो। नाउ आपको जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको कब 24fps की जरूरत है, कब आपको 60fps की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप fps यूज़ करोगे। तो आप लो लाइट में यू नो 24fps पे अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका शटर यू नो काफ़ी लेस होगा। अगर आप 24fps से शूट कर रहे हो तो आपको 50 आप शटर रख सकते हो, और अगर वहीं अगर आप लो लाइट में अगर हाई fps से शूट करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको शटर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कि ग्रीन की तरफ आपको लीड कर सकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप जब भी आपको स्लो मोशन का यूज़ नहीं करना है, आपको 24fps पे वीडियो शूट करना है, क्योंकि जो भी हम अपने यू नो आसपास इन्वायरमेंट जो भी देखते हैं, हम बेसिकली 24fps के जैसा ही देखते हैं। और हम लोग जब सिनेमैटिक लुक या सिनेमैटिक वीडियोस जब भी देखते हैं तो वहाँ पे भी 24fps ही यूज़ किया जाता है। वो बिल्कुल मिमिक करता है कि जो मोशन ब्लर आ रहा है वो बिल्कुल ही नेचुरल है, जैसा कि हम ह्यूमंस देखते हैं। नाउ आपको जब भी यू नो जब भी रिक्वायर्ड हो आप हाई शटर स्पीड पे, यानी हाई fps से शूट कर सकते हो। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि जितना भी आपका जो भी आप fps पे शूट कर रहे हो, आपका जस्ट डबल होना चाहिए उसका शटर। फॉर एग्जांपल अगर आप 24fps पे शूट कर रहे हो तो आपको 50 का शटर रखना है, अगर आप 60fps पे यूज़ कर रहे हो तो 120 का शटर रखना है, और अगर 120fps पे यूज़ कर रहे हो तो आपको 240 का शटर रखना है। तो इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट ISO। ISO आपको मिनिमम रखना है, जितना हो सके उतना कम। तो ISO अगर आप कम रखते हो तो आपको ग्रेन कम से कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि जब आप fps का सिलेक्शन करो तो आपको मैक्सिमम बिट रेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका कैमरा अगर 50fps पे 50 MB/s अगर रिकॉर्ड करता है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर वही अगर वो कैमरा आपको कैपेबिलिटी देता है कि 50fps के साथ साथ आप 100 MB/s पर रिकॉर्ड करो तो आपको वो यूज़ करना है। उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा अगर 4K का ऑप्शन देता है तो आपको 4K ही सेलेक्ट करना है। उससे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 4K यूज़ करो, बट आपको 4K फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने इमेज को क्रॉप करके यू नो रिकम्पोज कर सको, आप अपने वीडियो फुटेज को रिकम्पोज कर सको। उसके साथ साथ कभी आप अगर कोई मूवमेंट, कोई डॉली शॉट अगर मैं भी करना चाहूँ तो उसमें आप वो कर पाओगे। नाउ और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा अपना कैमरे का टेम्परेचर मैनुअल पे रखना है। आप कैल्विन यूज़ कर सकते हो या तो आप यूज़ कर सकते हो कस्टम वाइट बैलेंस। इससे होगा क्या कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका कलर, आपका वाइट बैलेंस अपने आप चेंज नहीं होगा, जिससे आपको कलर ग्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लास्ट थिंग, आपको अपना वीडियो हमेशा स्टेबल रखना है। आप किसी तरह का स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हो, आप गिम्बल यूज़ कर सकते हो, आप स्टडी कैम यूज़ कर सकते हो, आप हैंड हेल्ड भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आप अपने कैमरे के इनबिल्ट यू नो जो आपका सेंसर स्टेबलाइजेशन है वो यूज़ कर सकते हो, या ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन करके अगर आपका ऑफर करता है तो वो यूज़ कर सकते हो, या तो दोनों साथ में यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी ऑप्शन है वो आप यूज़ करो, और वीडियो को जितना हो सके उतना स्मूथ, उतना स्टेबल निकालो। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता था सिनेमैटिक वीडियोज़ शूट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।